सलमान उलिया के बीच हुआ झगड़ा। एक एक्ट्रेस की वजह से हुआ झगड़ा। सलमान के साथ इस एक्ट्रेस की बढ़ती नजदीकियां और नतीजन उलिया ने दे दिया है सलमान को अल्टीमेटम। और ये एक्ट्रेस है डेजी शाह। सूत्रों के मुताबिक डेजी की सलमान से नजदीकियां उलिया को फूटी आग भी नहीं सुहाती हैं और इसीलिए कई बार इन दोनों के बीच अनबन की खबरें भी आई हैं। उलिया मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसे काफी बारी मिली हूँ। बीच में एक ऐसा न्यूज आया था जहाँ पे बताया गया था कि शायद उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है या मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पर लगता है इन सब से डेजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी तो देखिए ना, अब भी वो सलमान के घर गैलेक्सी न सिर्फ आती जाती हैं, बल्कि देर रात तक रुकती भी हैं। और यही वजह उलिया को अखर रही है। डेजी के यूं देर रात तक सलमान के साथ गैलेक्सी में रुकना उलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और खबर है कि इस मामले में उलिया ने सलमान से की थी बात और दोनों में अच्छी खासी बहस भी हुई थी, पर आखिर में जीत उलिया की ही हुई। खबरों के मुताबिक सलमान ने डेजी को हिंट दे दी है कि अब वो देर रात गैलेक्सी में ना रुकें। फाइनली उलिया ने सलमान की लाइफ से डेजी का पत्ता काट ही दिया है। उलिया ने सलमान को लगाई फटकार। सलमान खान की एक गलती पर उलिया हुई आग बबूला। जी हाँ, सलमान खान की गर्लफ्रेंड उलिया वंथूर ने सलमान खान को जमकर उनके एक स्टेटमेंट के लिए लगाई फटकार। जूम को सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन मिली है, उलिया सलमान खान के रेप रिमार्क से बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने सलमान खान को साफ साफ कह दिया है कि वो फ्यूचर में इस तरह की गलती ना दोहराएं। सोर्सेस की माने तो रिसेंटली उलिया को इस पूरी कंट्रोवर्सी की जानकारी सलमान के फैमिली मेंबर्स के थ्रू पता चली और कहा जा रहा है कि जब उलिया ने खुद इस रिमार्क को सुना तो उन्होंने सलमान खान को साफ कहा कि वुमेन को लेकर उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। बॉलीवुड में भले ही स्टार सलमान खान के इस स्टेटमेंट पर आवाज उठाने से डर रहे हैं, लेकिन सलमान खान की सबसे करीबी उलिया ने ही सलमान खान को उनके स्टेटमेंट पर फटकार लगा दी है। वैसे उलिया ही नहीं, सलमान खान के भाई अरबाज खान ने भी उनके इस स्टेटमेंट पर उन्हीं से जवाब लेने की बात कह दी। आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वाज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट एंड फॉर दैट इफ ही फील्स द नीड टू अपोलोजाइज ही विल अपोलोजाइज और नॉट अपोलोजाइज। व्हाई आर यू आस्किंग मी अ क्वेश्चन व्हेदर ही शुड और नॉट? आई डोंट थिंक इट्स फेयर। मेरा ओपिनियन, मैं बोलूं हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या मुझे मैं बोलूं कि नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट इज फेयर। आई थिंक इट इज हिज इश्यू। आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे। वेल, साफ है सलमान खान को अपने रेप रिमार्क पर फैमिली मेंबर्स और गर्लफ्रेंड उलिया से जमकर फटकार लगी है। अब देखने वाली बात होगी, क्या सलमान खान उलिया की फटकार के नाते अपनी इस गलती को मानते हैं और क्या इस गलती के लिए माफी मांगते हैं। उलिया वंतूर के लिए सलमान खान बेचेंगे लंगोट। सलमान उलिया के खातिर हुए लंगोट बेचने के लिए राजी। वैसे तो ये बेहद फनी साउंड कर रहा है, लेकिन 100% सच है ये खबर। हालांकि सब जानते हैं कि सलमान को लंगोट से कितनी एलर्जी है। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान को लंगोट पहनने में कितनी प्रॉब्लम हुई, इसका जिक्र भी उन्होंने खूब किया। The most difficult part in this film has been the लंगोट। आज मेरे को समझ में आया what heroines feel when they go through all these swimsuit shorts and all that. लेकिन अब यही सलमान अपने बीइंग ह्यूमन स्टोर्स पर लंगोट बेचने के लिए मान गए हैं और इसका फुल क्रेडिट जाता है सलमान के लेटेस्ट प्यार उलिया वंतूर को। दरअसल जिस तरह से बजरंगी भाईजान के प्रमोशन के लिए सलमान ने बजरंगी भाईजान का लॉकेट अपने स्टोर पर रखा था, ठीक उसी तरह की स्ट्रैटेजी सुल्तान के प्रमोशन के लिए भी सलमान ने प्लान की है और स्टोर्स पर लंगोट रखने का फैसला किया है। दो अपने लंगोट बेचने के आइडिया को लेकर सलमान खान स्केप्टिकल थे, लेकिन उलिया सलमान के इस आइडिया को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट थी और इसीलिए उन्होंने सलमान को फाइनली इस आइडिया के लिए मना लिया।
यानी कहा जा सकता है कि उलिया के प्यार के आगे सलमान वो तक करने के लिए रेडी हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ के बाद पापा सलीम खान ने भी दी सलमान उलिया के रिश्ते को हरी झंडी। सलमान उलिया के रिश्ते पर हो गया है पूरा खान खानदान राजी और फाइनली सलमान के साथ साथ पूरे खान खानदान पर चढ़ गया है उलिया का हैंगओवर। जूम ने एक्सक्लूसिवली उलिया और सलमान की फैमिली को स्पॉट किया मुंबई के एक रेस्टोरेंट में। यहाँ सलमान उलिया के अलावा सलमान के फादर सलीम खान, बहन अलवीरा, अर्पिता और आयुष थे मौजूद। डिनर के बाद सलीम खान और सलमान उलिया तो बाहर आए पर बाकी लोग रेस्टोरेंट के अंदर ही रहे। यहाँ सलमान का दिल पूरी तरह से उलिया में मस्त मगन हो रहा था। सलीम खान बाहर मौजूद थे पर सलमान को सलीम से ज्यादा उलिया की फिक्र हो रही थी। तभी तो देखिए ना कैसे उलिया के आगे पीछे मंडरा रहे थे सलमान। उलिया को कार में बिठाने के बाद सलमान आया अपने पापा के पास और उनसे पूछने लगे कि कैसे जाएंगे वो घर। इस बीच फैंस सलमान से उनके साथ फोटो क्लिक करवाने की गुहार लगाते रहे। और फाइनली सलमान ने अपने फैंस की रिक्वेस्ट को मान ही लिया और करवाने लगे उनके साथ पिक्चर्स क्लिक। और फिर कार में बैठकर उलिया के साथ यहाँ से रवाना हो गए दबंग खान। और इसी के साथ एक बार फिर इस साल के एंड में सलमान उलिया की शादी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। सलमान उलिया के साथ करेंगे अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला इकरार। रमजान के पाक महीने में सलमान लगाएंगे उलिया के साथ अपने प्यार पर कॉन्फर्मेशन की मोहर। और सलमान उलिया का प्यार ऑफिशियल होगा बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जब सलमान खान उलिया वंतूर के साथ पार्टी में करेंगे एंटर। आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे ये सब कह रहे हैं, तो इसकी वजह सलमान खान ही हैं। दरअसल संडे को है बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी और सुनने में आया है कि इस साल इफ्तार पार्टी में कपल्स को इनवाइट किया गया है। खबरों की माने तो सलमान खान ने खुद बाबा सिद्दीकी से कहा है कि पार्टी में वो जिसे भी इनवाइट करें उन्हें अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ ही आने की इनविटेशन दें। अलवीरा और रेशमा शेट्टी ने भी सलमान के इस फैसले को सपोर्ट किया है। ऐसे में अगर अब सलमान खान उलिया वंतूर के साथ पार्टी में एंट्री करते हैं तो उलिया के साथ सलमान खान का रिलेशन एकदम साफ हो जाएगा। उलिया के साथ सलमान बार बार आ रहे हैं नजर। सलमान बार बार उलिया के लिए दिखा रहे हैं अपना प्यार और इसका प्रूफ एक बार फिर देखने को मिला मुंबई एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं सलमान उलिया की ये लेटेस्ट पिक्चर है आज सुबह की। सलमान खान उलिया के साथ करीब 8:30 बजे बुडापेस्ट से मुंबई लौटे। सलमान को यहाँ भी अकम्पनी कर रही हैं उलिया वंतूर। वेल, आज सुबह सलमान उलिया की एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक की गई इस पिक्चर से एक बात तो साफ हो गई कि सलमान भले उलिया के लिए अपना प्यार ना कबूल करें लेकिन फिर भी उलिया के लिए सलमान का प्यार दिख ही जाता है। मुंबई की भागदौड़ से दूर शहर की बिजी लाइफ से फुर्सत के पल निकालकर सलमान और उलिया साथ में कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड।
जूम को अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान और उलिया इन दिनों पनवेल के फार्म हाउस पर मौजूद हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। सलमान और उलिया की ये वेकेशन इतनी पर्सनल है कि यहाँ ना ही सलमान के परिवार का कोई मौजूद है और ना ही सलमान के करीबी दोस्तों की है एंट्री। खबर मिली है कि सलमान का ये वेकेशन पिछले 5 दिनों से बरकरार है और आगे कुछ दिन सलमान और उलिया पनवेल के फार्म हाउस पर ही रहने वाले हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे में सलमान अपने वर्क कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। मतलब ये कि सलमान अपने प्रायर वर्क कमिटमेंट्स पूरा करने मुंबई तो आएंगे, लेकिन जैसे ही काम पूरा होगा वो रवाना हो जाएंगे पनवेल, जहां पहले से ही उलिया कर रही हैं उनका इंतजार। Well, सलमान उलिया के साथ अपना रिलेशनशिप पहले ही बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले बयां कर चुके हैं। ऐसे में साथ में वेकेशन पर जाने की खबर के बाद अब इंतजार है तो बस सलमान की शादी की ऑफिशियल न्यूज का। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई।